अस्सलाम वालेकुम मेरी यूटी फैमिली, कैसे हो गए आप सब। मैं तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो जी सुबह सुबह का वक्त है और आज जी मैंने जाना ट्रिप पर। ठीक है, अकेले नहीं जाना, ना साथ मेरे कोई बड़े छोटे भाई नहीं जाना। ठीक है, तो जी मैंने अम्मी को कहा हुआ कि वो मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे जरा बना दें, क्योंकि मैं उधर खाने के तो कुछ भी नहीं, स्कूल वाले तो कुछ भी नहीं देंगे। मैंने खुद ही अपना खाना वगैरह उधर पीना, बस सब कुछ मैंने खुद ही अपना करना है। तो मैंने अम्मी को तो कहा कि वो मेरे लिए कुछ मजेदार कुछ डिश भी बना दें, तो वो तो बना रही है, तो चले चले देखते हैं। ये कैचअप है। उधर भी रखी ने, उधर देख लाया। चल बस ना जरा मिक्स करके रखने लगी हूँ, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई। आज मेरे बहुत प्यारे मेहमान आने लगे हैं, जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार है, और उनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी तैयारी कर रही हूँ। हाँ जी, तो इतने आप हल्दी भी पा दी है, मिर्चा भी पा दी ने, नमक भी पाता है, लाल मिर्च डाली है, सॉरी, तो सारिया चीज़ा पाती हैं। तो हूँ इन्हों अपना चंगी तरीके मिक्स कर, तो यह जी मैं चीज़ा मिक्स करके रख लिया ने, तो इन्हों हूँ आप फ्रिज कर लवेंगे। एक तो दो घंटे फ्रीजर रख दो, पा के रखता सी, तो हूँ जी मेरा बनाने का टाइम है, तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। किचन में आ गई हूँ, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं खाना बना लेती हूँ, मेरी प्यारी बहना ने आना है, तो उनके आने से पहले खाना जो है ना वो बिल्कुल रेडी होना चाहिए, ताकि मैं उनके पास आराम से बैठ जाऊँ। हाँ जी, तो तकरीबन मेरा खाना वगैरह बन गया है, और जिनका मुझे इंतज़ार था वो भी घर आ चुके हैं। और खाने में मैंने क्या क्या बनाया वो भी आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। खाने में ये बनाया मटर वाले चावल, और ये मैंने कढ़ाई बनाई है। ठीक ठाक, आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक है, बहुत देर से हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। हम टाइम पे आए हैं, तो टाइम पे ही है। लेकिन वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्लाह पाक की शुक्र कर रहा। आज बैठे जैसे कि आपको खाना मैंने दिखा दिया है, जो मैंने इनके लिए मतलब बनाया, अभी जब सर्व करूंगी तब भी दिखाऊंगी। तो चले आए अंदर, मिलाती हूँ मारिया आपी से मैं आप लोगों को। अभी बिलाल नीचे गए बैग लेने, मोमना भी उठ गई है। हाँ भाई जो है ना वो अभी नीचे गए हैं, और मोमना सोई हुई थी वो अभी उठी है, और जो मूसा है वो तो उनके पापा नीचे चलेंगे, और उसने वो रोला डाला है कि रोने आ रहे हैं, रोने आ रहे हैं, लेकिन शुक्र है कैमरे को देख के चुप कर गया। वो कह रहा इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल है, इज्जत मत खराब करूं कि मूसा इतना वो रोता है। हाँ गंदा बच्चा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मोमना उठ गए आप? मोमना ने तो हैंडशिप भी नहीं की, आंतो छे हैंडशिप तो कर लो, करो जल्दी से जल्दी से। वेरी गुड गर्ल। और ये जी हैं मारिया बहन की मम्मा, वो भी साथ आए। तो अच्छा लगा, कैसा लगा आंटी को? आंटी आज मुझे पहली दफा मिल रही हैं, क्योंकि नहीं मैंने आपका व्लॉग देखा था उस दिन जब आप उनके घर गए थे। अच्छा, तो मैं भी तो कुछ भी देखती हूँ इनके व्लॉग भी। अच्छा, और कभी मतलब कभी कोई हो जो कोई किसी का देखती हूँ, लेकिन ज्यादातर। मारिया सिस्टर को कैसा लगा मेरे घर आके? बहुत अच्छा लगा। चलो बच्चों से मिलके कैसा लगा मेरे बच्चों से? वो तो तलहा तो आपको पता है, पहले भी जब आया तो उसके साथ दिल लग गया। हाँ ऐसे ही है वो, उसकी तो वो भाई और जो है ना मारिया बहुत ज्यादा करते हैं कि तलहा की तो बात ही अलग है। हाँ जी, तो किचन में बहुत ज्यादा खलारा हुआ हुआ है, क्योंकि अभी खाना देना है, तो मैं जी खाना देने लगी हूँ। और पहले मैं चावल, मैंने कहा चावल निकाल लेती हूँ प्लेट में। आ जाए खाना खा ले, खाना लग गया। सलाम आमना को, वो मारिया का हो गया, सिस्टर का आप कर लीजिएगा। कैसे आप लोग सब? मैं तो बाहर के उधर नीचे से बैग लेने के लिए। हाँ
हाँ तब भाई नहीं थे तो मैंने कहा चल भाई से भी मिला देती हूँ, चले आए खाना लग गया। आंटी आ जाए आप भी, क्योंकि इसको जब भी खाने का टाइम होता है उसको दूध याद आता है। दूध मैं देती हूँ, ये पड़ा है, पड़ा हुआ है। हाँ? नहीं अगर नहीं फीडर खाली तो मैं दे देती हूँ। नहीं है दूध लेके आए इस, क्योंकि इसको जब भी खाना होता है, इसको खाना है तो खाना नहीं होता है दूध। हाँ, चले आए पहले। ये जी मैंने खाना लगा दिया है, तो अब दुआ करती हूँ कि उनको पसंद आए मेरा बना हुआ हाथ का खाना। तो जी मैं वापिस आ चुका हूँ ट्रिप से। मेरा हाल तो इस टाइम बहुत बुरा हुआ क्योंकि मेरे हाथ बाजू दर्द सब दर्द करेंगे, क्योंकि दोस्तों ने तो मुझे सुकून ही लेने दिया, कभी इधर चलो कभी उधर चलो, तो मैं उनके यहाँ पे हाँ मिलाता गया, तो इस टाइम मेरा सर भी दर्द कर रहा है और 4 इससे बज गए हैं। तो जी मैं आ चुका हूँ घर वापस। तो जैसे मैं घर वापस आया, मैं ऊपर गया, मैं दरवाजा खोला तो मारिया फिर बुलाल भी आए हुए थे। समझ लो उन्होंने मुझे एक सरप्राइज दिया, मैं शौक हो गया उनको देख के कि जी वो इस टाइम और वो भी हमारे घर। तो जी ऐसे मैं तो फुल शौक हो गया कि उन्होंने मुझे एक सरप्राइज टाइप दिया है। तो जी अब चलते हैं, पहली बार वैसे भी हमारे घर आए हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं अब उनका कि वो कैसे हैं। तो चले चलते हैं। तो भाई बिलाल भी हमारे घर कैसे हैं? आप लोग यहाँ पे बैठे थे। हाँ, अच्छा आपने कहा था कि भाई वो छोटा आएगा, वो गया हुआ ट्रिप पे, आप लोगों ने इतनी देर में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम तो आपको वेट कर रहे हैं। कैसे हैं आप? वेट के लिए बैठे हुए थे वरना हम लोगों ने चले जाना। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? अच्छा चलो चला चला। भाई किधर है वो है भाई? और वो जी आपकी प्याली छोटी सी क्यों सी आपकी पी ली है दूध फिर में दूध पी लिए, लेकिन तालाब में देखो तालाब में दूध पिए नहीं नहीं पिया। हाँ दूध तो दो हमें मैं देती हूँ ये ले दे दे लो पिए दूध। चलें जी हम जरा दूध पी के आए। माँ और हमारी यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी करनी है, बिलाल भी इनकी फोटोग्राफी कर रहे हैं। और जी तला इधर अपने मस्त माहौल में लगा हुआ है। और जी सुबह सुबह मुझे इन पर बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि इनकी नीचे रेत पड़ी है, मुझे बाइक निकालने में अंदर करने में बहुत तकलीफ आती है क्योंकि बाइक की फिर गंदी हो जाती इतनी रेत की वजह से, मुझे इन पर बहुत गुस्सा आता है। ये क्या कर रही है मामा जी अब? तो वो मैंने कहा अभी उनका ना वो जाने लगे हैं, तो मैंने सोचा कि चल ना मैं जल्दी से ना चाय बना देती हूँ। अच्छा मतलब वो जल्दी लगा रहे हैं, उनको बड़ी जल्दी है भाई, बैठ भी नहीं रहे हैं, मैंने इतना फोर्स किया बैठ जाओ थोड़ी देर, और आप लोगों से हमारे घर में बहुत रौनक आई है, तो बस फिर काफी बैठे इतना भी उन लोगों का बहुत है, तो फिर अभी लास्ट में मैं चाय बना रही हूँ। मैंने उनको चाय पेश करती हूँ। हाँ लाची कर ली और सौंफ कर ले। चाय तैयार होगी? हाँ जी होगी चाय तैयार। मैंने कप में चाय डाल दी है और ये साथ मीठा। हाँ मीठा, ये मीठा लेते हैं साथ। चलो 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 आपको पसंद है इतने बड़े बड़े। अच्छा 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 चाय नहीं है हमारे घर में, दूध पत्ती बनती है, चाय नहीं बनती है। भूसा इसको नीचे उतार दे। चले जी भाई भी अब पी रहे हैं चाय गर्म हा गर्म। ओ वेलकम, बहुत बहुत आप बस चाय है अब इंजॉय करें। हाँ जी तो ये जी घर वाला माहौल बना हुआ है यहाँ पे, वो बच्चे बिल्कुल घुल मिल गए यहाँ पे हमारे पास। अब कह रहे हैं कि बस अब हम जाएं। आप कहते जाने की तैयारी हो रही है, जूते वगैरह बच्चों को पहने जा रहे हैं, और अली तो आया ही लेट है क्योंकि अली ट्रिप पे गया हुआ था, लेकिन अली को मजा बहुत आया जो थोड़ा सा मिला। अच्छा जब अली आया ना भाई भी तब भी हंसने लगा है अली के साथ, क्योंकि अली के साथ जरा भाई जो है ना वो फ्रेंडली हो जाता है, तो पहले भाई भी एक अलग कॉर्नर में अपने मोबाइल में लगे हुए थे। ऐसे ही है। तो जी भाई जा रहे हैं, जा रहे हैं आप बस? ओके ओके। अब आप चाहती हैं कि हम लोग दोबारा आपके घर ना आए? ऐसे थोड़ी ना होता है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चले आप ही जा रही हैं, मारिया बिलाल दोनों जा रहे।
तो चले भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय 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 बाय।